राधे राधे दोस्तों, कुक विद उपासना मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा टेस्टी और सभी को पसंद आने वाले गुड़ का पाक बनाएंगे। गुड़ सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और सर्दियों में तो इसे बना के जरूर खाना चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गुड़ का पाक बनाने के लिए हमने आधा किलो गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हमने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है। हम इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। हमारा घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें कट किए हुए थोड़े से बादाम डालेंगे, कट किए हुए थोड़े से काजू डालेंगे और लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। दो मिनट हो गए हैं। हम काजू और बादाम को एक प्लेट में निकालेंगे। हम उसी कढ़ाई में 1 कटोरी चिरौंजी डालेंगे और इसे भी लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। एक से दो मिनट हो गए हैं। हम चिरौंजी को एक प्लेट में निकालेंगे। हम इसमें कद्दूकस किया हुआ 1 कप नारियल डालेंगे और लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। दो मिनट हो गए हैं। हम इसे एक प्लेट पे निकालेंगे। हम उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी और डालेंगे और मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है। हम इसमें 1 कप मखाना डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। दो से तीन मिनट हो गए हैं। हम इसे भी एक प्लेट में निकालेंगे। हम मखाना को चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। हमने मखाना को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। हमने यहाँ पे एक प्लेट ली है। हम इसमें थोड़ा सा घी डाल के फैला देंगे। हमने इसे ग्रीस कर लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे और घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है। हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच सौंठ पाउडर डालेंगे और लो फ्लेम पे हल्का सा भूनेंगे। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे और लो फ्लेम पे गुड़ को मेल्ट होने देंगे। हमें गुड़ को केवल मेल्ट करना है, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। हमने इसे मिला दिया है। अब हम गैस को बंद करके इसे ग्रीस की हुई प्लेट में डालेंगे। चम्मच में घी लगा के इसे फैला देंगे। हमने इसे फैला दिया है। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए हल्का ठंडा होने देंगे।
दो से तीन मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें कट लगा लेंगे। आप पीसेस अपने अनुसार बड़े या छोटे कर सकते हैं। हमने इसमें कट लगा लिया है, हम इसे एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए। एक घंटे हो गए हैं, हम इनके पीसेस को अलग अलग कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा टेस्टी और हेल्दी गुड़ का पाक बनके तैयार है। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। राधे राधे।